हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत सिंपल सी दाल की रेसिपी, जो बनती तो बहुत सिंपल तरीके से है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, जिसके लिए मैंने ली है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो हमारा अदरक लहसुन भुन चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। टमाटर, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमारा मसाला यहाँ पर भून चुका है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। रेड चिलीज, नमक, तो हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हम अपनी दाल शामिल करेंगे। दाल को शामिल करने के बाद दाल को अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक के दाल का ऑयल ऊपर ना आ जाए और ये अच्छी तरह भून ना जाए। दाल भून चुकी है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने बहुत थोड़ा सा शामिल करना है, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको पानी शामिल करके और थोड़ी देर दम पे लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा किया है। तो अब इसमें आपने ढेर सारा धनिया शामिल कर देना है। धनिया से दाल की लुक बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ हर सब्ज़ी में, और दाल की खुशबू भी भर जाती है धनिया से। लास्ट पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। लो जी, सिंपल से स्पाइसी से बनने वाली दाल रेडी है, जो कि बहुत यम्मी लग रही है। सिंपल तरीके से मज़ेदार दाल तैयार है। तो जी, ये है ऑरेंज चाय, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये देखिए, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। आपने अगर पहले देखे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।